जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज जो है हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही बड़े बॉलीवुड एक्टर के घर। जी हाँ, अभी मैं अपने गांव में हूँ तो आप लोग को लग रहा होगा मेरे गांव में कौन सा बॉलीवुड एक्टर रहता है, लेकिन हम उनके मूल निवास पे जा रहे हैं। तो बहुत बड़े कॉमेडियन हैं बॉलीवुड के और उनका नाम अभी वीडियो में बने रही तब बताते हैं आपको, ठीक है। तो इससे थोड़ी देर का वॉच टाइम बढ़ेगा मेरा और चलिए चलते हैं। यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर है और आधे घंटे का समय लगेगा, तो चलिए चलते हैं उनके घर पे देखते हैं। हालांकि वो तो नहीं होंगे घर पे, है ना, और या हो सकता हूँ भी शायद मे भी, है ना, बहुत कम चांसेस हैं उनके होने के, लेकिन शायद उनके परिवार से कोई मिल जाए तो मुलाकात हो सकती है, उनके परिवार से कोई होगा, या देखते हैं घर चल के देखते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, खाली हैं हम लोग, तो इसलिए चल के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। चलो रेडी हो गए, चाबी रख ली गाड़ी की। देखिए दोस्तों, बिलसंडा की गलियों को देख सकते हैं आप लोग। बिलसंडा गाड़ी कहाँ खड़ी? तो हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 14 किलोमीटर का हमारा बहुत ही लंबा सफ़र। देखिए यहाँ दिखाते हैं आपको बिलसंडा की गलियाँ। थोड़ी गली है कि गाड़ी नहीं लग पाए। दोस्तों अभी आम लेने गए पापा ही, तो आम ले लेंगे, फिर आम लेके चलेंगे, प्रस्थान करेंगे वहाँ पे। और आप लोग गेस करते रहिए कि हम किसके यहाँ जा रहे हैं। कुछ लोगों को ये थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, लेकिन हर किसी को आइडिया नहीं होगा, है ना, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में, देखिए कहाँ जाते हैं हम लोग, है ना। और उनके घर का नाम जो है वो गूगल पर डायरेक्टली हम डाल सकते हैं और वहाँ से वो रास्ता बता देगा, तो ऐसा है। ये देखिए कितना जलस्तर बढ़ा हुआ है। 200 मीटर बाद एक जान आएगा राइट साइड में। ये वो रास्ता नहीं था, वो भी रास्ता होगा क्योंकि गूगल मैप पे तो वही रास्ता दिखा रहा था, लेकिन किसी ने बताया कि आप आगे से जाइए और आगे से फिर आगे जाके एक राइट मुड़ना है ना, आगे जाके राधा स्वामी सत्संग देखो, बंडा का राधा स्वामी सत्संग बना हुआ देख के काटो। तो बोले भाई तो उनके आए ना, निकल गए, अभी गए बंडा कोठी पर बैठे हैं, वहाँ रोड पर है उनकी कोठी, ऐसे बोलते हैं, वहाँ रोड पे है उनके कोठे, बंडा कोठी में गए, बंडा वहाँ रोड कोठी में गए बैठ रहे, अभी यहीं थे उनका भाई, यहीं ही थे अभी। और दोस्तों अब जो है इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है, क्योंकि सामने रबित का कोठी नज़र आ रही है। देखिए ये हम लोग आ गए हैं घर, और ये जो घर है वो है हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजपाल यादव जी का। तो यहाँ हम लोग आ गए, देखिए यादव भवन नाम से है घर, है ना। और चलिए अंदर चलते हैं। ये सब लोग आके यहाँ पे वीडियो बना के गए हैं ना, तो YouTube पे पड़ा हुआ है, लोग आके वीडियो बनाते हैं ना, बना के ले जाते हैं। फोटो लेना तो ये देखिए, ये जो है घर है ना, राजपाल यादव जी का घर है, वो पार्किंग का एरिया है, वो देख पा रहे होंगे आप उधर पार्किंग का एरिया, ये घर है, ये पिताजी बैठे हुए हैं साथ में, और जगतगुरु लिखा हुआ है अंदर, उस तरफ घर है ना, ये बैठे हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि राजपाल जी तो मिलेंगे नहीं आज, लेकिन हम लोग आ गए थे आज घर देखने के लिए, आगे के लिए कभी,
आए तो घर देख लें, तो घर देख लिया है और चलिए चलते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। देखिए ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्किंग की स्पेस है, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं आप देख पा रहे होंगे। ऐसा मंदिर है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं कि बड़े भाई से बात हुई है, वो पुआया रोड पे हैं यादव भवन में, तो वहीं चलते हैं। ये देखिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इनके भाई के घर में, के भाई का घर है एक और है। तो अभी चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों। अब हम राजपाल जी के बड़े भाई से मिल चुके हैं, मुलाकात हुई काफ़ी देर, आधा घंटा मुलाकात करी, उन्होंने बताया अपने बारे में कैसे क्या है घर की कुछ चीज़ें, बात हुई शेयर हुई। और ये देखिए ये है यादव भवन जो घर दिखाई दे रहा है, और पीछे वो वहाँ पीछे जाके रास्ता है, वहाँ उनका ऑफिस है। तो अब हम यहाँ से वापस चलते हैं अपने झंडा की तरफ, है ना। चलिए चलते हैं, राजपाल जी तो नहीं मिल पाए, वो आएंगे शायद दिवाली में। यहाँ से कट जाएगी है, नहीं कट जाएगी आगे से, तो फिर ऐसे पैक करके काट लो किसी। तो दोस्तों हम लोग वापस आ गए राजपाल यादव के घर से लौट के, और बढ़िया रहा जो घर था, देखा काफ़ी बड़ा घर बनाया हुआ है, और बातें हुई इनके पिताजी से, उनके साथ जो बैठे हुए थे शायद इनकी सेवा में कोई रहते हैं अमित जी, उनसे बात हुई। और उसके बाद उन्हें उनके बड़े भाई से बड़े भाई साहब से भी मुलाकात हुई, तो बड़े भाई साहब से भी काफ़ी आधा घंटा चर्चा हुई। उन्होंने राजपाल यादव जी के कैसे उन्होंने संघर्ष करके वो वहाँ तक पहुँचे उसके बारे में जिक्र किया। तो ये है, और वापस आ गए हैं, अच्छा रहा सफ़र। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर ना किया हो तो, और ब्लॉग बनाते रहेंगे ऐसे ही, आगे आने वाले समय में और ब्लॉग्स डालेंगे, है ना। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।